मेरे वालिद साहब जो थे वो महाराजा हरि सिंह के दरबार के चित्रकार थे, और उनके नाम का मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ, मास्टर संसार चंद बड़ू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए काम करता है। मैं ग्लोबली काम करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और कॉरपोरेट सेक्टर्स के साथ, और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर में ही काम करूँ आके, क्योंकि यहाँ काम बहुत कम हुआ है, आर्ट के ऊपर बहुत कम विजन है। जम्मू कश्मीर में तो फिर भी थोड़ा मैं देखती हूँ बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह है इसके लिए, लेकिन जम्मू में बहुत कम है। तो मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ आके काम करूँ, मोस्टली मतलब 90% तो मैं जम्मू कश्मीर में ही काम करती हूँ, और दूसरा रहता मैं रूरल एरियाज़ में जाके बच्चों के साथ काम करूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ही हम बच्चों को ठीक रास्ते पे लगाएं, अच्छी जगह अच्छा जीवन उनको देने के लिए मैं जो है ये ट्रस्ट चलाती हूँ। और पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से बड़े सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, बहुत विजनरी लोग होते हैं जो बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ बेसिक चीज़ें हमसे मिसिंग होती है। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो आर्ट एजुकेशन इंडिया का वो मेरे हिसाब से 50-60 साल पीछे है, क्योंकि हम सालों से वही पढ़ा रहे हैं। इस ट्रस्ट का मतलब ये है कि एक ब्रिज बनाना, ताकि लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें, एक दूसरे के काम पेंटिंग्स देख सकें, वर्क देख सकें। तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए, लोगों से मिले, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना अच्छा लगा मिलके सबसे। और यहाँ के बच्चों में एक जज्बा है, एक अलग जज्बा है काम करने का, पेंटिंग करने का, बात करने का, उनकी सोच बहुत अलग है, और मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू। ये एक आज का जो ये प्रोग्राम है, इसका थीम जो है वो इंडियन मिनिएचर्स जो है, यहाँ पे एक जो एक हमारा एक सॉलिड एक आर्ट फॉर्म है मिनिएचर। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टाइल उनके होते हैं, हमारे स्टेट भी इस रेस में पीछे नहीं। हमारे भी 2-3 स्कूल ऑफ मिनिएचर्स यहाँ हुआ करते थे। एक तो अभी भी आपको जैसे बसोली, जो हमारे जम्मू में एक हिस्सा है, वहाँ पे बसोली टाइप ऑफ मिनिएचर्स हैं। यहाँ पे भी एक कश्मीर में बहुत पहले एक मिनिएचर फॉर्मेट था जिसको हम कश्मीरी कलम के नाम से कहते थे। तो अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटेंशन की तरफ चला गया। अब नहीं, उसी को रिवाइव करने के लिए, बच्चों को वो चीज़ समझाने के लिए वो क्या है। और आजकल की जो आर्ट फॉर्म्स वगैरह हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स से हमारे आर्टिस्ट आए हैं, कंट्री के डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो इनका अलग अलग नज़रिया होता है आर्ट को देखने का, और अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। वही अपनी टेक्निक्स, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों के साथ शेयर करेंगे, सो दैट उनको कुछ बेनिफिट्स मिले। चाहे आर्ट स्टूडेंट है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के हैं, या सोशल वर्क के, या किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम नए टैलेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आजकल नई आर्ट ट्रेंड्स है, मूवमेंट्स हो रही है, उनके बारे में इंट्रैक्शन होगा, डिस्कशन होगा, और सक्सेसफुल प्रोग्राम आई थिंक रहा ये। बच्चों की बड़ी एंथुजियास्टिक, जिसको हम कहेंगे ना, या जील जिस्ट के इन्होंने इससे हिस्सा ले लिया, तो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा इंट्रैक्शन हो रहा था, चल रहा है अभी। आई थिंक कि ये बड़ा फ्रूटफुल एक्सरसाइज था। मैं यहाँ वर्कशॉप के लिए आई थी, जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है यहाँ पे, एंड यहाँ एक क्लियर माइंड सेटअप मिला, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला एक आर्टिस्ट के लिए, एंड इवन नॉर्मली बाकी बच्चों के लिए भी जो आर्ट फील्ड से अलग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है यहाँ पे। एक फ्री माइंड, अलग अलग क्रिएटिविटी देखने को मिली अलग अलग आर्टिस्ट से, सो इट वाज वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग आफ्टर दिस लॉकडाउन। इवन इस लॉकडाउन के बाद इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस, फॉर मी पर्टिकुलरली। सो या, हम आर्ट के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, सोशल इशू है, व्हाटएवर इशूज़ वी आर फेसिंग हियर इन कश्मीर और इन वर्ल्ड,
ड्रग लेट इट बी ड्रग एडिक्शन और समथिंग लाइक दैट बट वी कैन डिपेक्ट इट थ्रू आर्ट थ्रू आर्टिज्म सो वही चीज़ें हमें सीखने को मिली परसों से यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बाहर से आए हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे